देखी है, मैं शौकीन भी हूँ फिल्मों का। फिल्में जैसे देशभक्ति की कोई फिल्में होती ना, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, देशभक्ति की फिल्म बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी अवार्ड में वो कहते हैं हाँ सुना तुम्हें कुछ मिला, और उसमें वो बोलते हैं बड़ा खुश होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो हम मध्यवर्गीय परिवार से जो आते हैं उनके लिए सरकारी सम्मान का महत्व कुछ कम नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। और चाहे आप कुछ भी कहें, लोग कहते रहते हैं कि देश में की व्यवस्था के बारे में और सरकार के बारे में, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग कहीं डीप डाउन आस्थावान हैं। और हमें जब इस तरह के सम्मान मिलते हैं तो मैं इस बात की ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अच्छा लगता है। तो नेशनल अवार्ड का अपना एक महत्व है। दूसरा ये शायद फिल्म में एक ही सम्मान होगा जो सारी फिल्मों को, सारी भाषाओं की फिल्मों को, पूरे देश की सारी फिल्मों को देखने के बाद आपको दिया जाता है। तो इस सम्मान की अहमियत उसके बाद और भी शायद बढ़ जाती है। रही बात इस बार मुझे टिटमॉन के लिए मिला, बहुत खुशी है कि वो एक छोटी सी फिल्म थी। आज हम यहाँ पे देख सर्कस देख इंडियन सर्कस के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं। ऐसी फिल्में जो शायद जिसे हम कहते हैं मोमेंट्स ऑफ यू नो और सोसाइटी इन अ लाइफ, हमारे जिंदगी में कई आवाजें जो इतनी ऊंची और ढोल की तरह उनकी जो गूंज होती है वो इतनी ज्यादा होती है, जो मर्मर्स होते हैं सोसाइटी के, जो धीमी आवाजें होती हैं वो दब जाती है कहीं। और ऐसी धीमी आवाजें जो बहुत खूबसूरत आवाजें होती हैं वो, ये इनकी जो मंगेश जी की फिल्म है वो एक ऐसी आवाज है जिस आवाज को सुनने के लिए शायद थोड़ा अटेंशन की जरूरत होती है, शायद जो चीख पुकार कर आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती, शायद उसको इतना प्रमोशन नहीं मिलता, शायद उसके पीछे उतना मार्केटिंग मनी और बाजार की संस्कृति उसको इतना सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद अगर सरकार उसे सम्मानित करती है तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जिसे बाजार सपोर्ट न करे। मुझे याद है कि लोग कहते हैं दूरदर्शन दूरदर्शन, मुझे याद है कि बचपन में हम लोग अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक के संस्कार पड़े और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में हमने देखी तो उसके लिए मैं दूरदर्शन का ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक गॉड उसकी इतनी बड़ी ऑडियंस बनी है, लोग उन फिल्मों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो बॉक्स ऑफिस पे भी चल रही हैं। तो उससे ऐसा जाहिर होता है कि अगर ऑफकोर्स एक सुपरस्टार की फिल्म चल रही है तो ऑफकोर्स हमारी फिल्म भी चल रही है। तो ये कॉन्फिडेंस फिल्म मेकर्स में भी आया, एक्ट्रेस में भी आया और सभी लोगों में आया है। तो 100 साल में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है। थैंक यू वेरी मच, बनाएंगे और आज आपको नेशनल अवार्ड सम्मानित भी किया जा रहा है। वेलकम सर, वेलकम जी। माय क्वेश्चन विल बी टू शंकर जी। सर आई वांट टू आस्क बिकॉज देयर इज दिस हाइप गोइंग ऑन एंड लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो कमेंटेड सेइंग दैट द नेशनल अवार्ड इज द ओनली सेन अवार्ड इन द इंडस्ट्री। सो व्हाट इज योर टेक रिगार्डिंग दिस कमेंट? See, slowly but surely even we are all beginning to believe that. Because many of the award functions, we feel that it's just become a TRP game. They want to just see faces of popular people over there, performances, and you don't even know what's happening, what award is what. Though for the winner, you know, it's like a little bit of charging your own battery, you know. It gives you a little morale boost, but I really don't know how much value it has got, all these award functions. But national award, all of us, we believe, I think so, that it's a matter of national pride. And the fact that we won national awards in the past and also today, we're going to win an award at the hands of the President of India, I think that is really something, feel proud that we've achieved something in life. Jab hamari film puri ho gayi aur हमें उसको साउथ कोरिया में लेके जाना था, तो हमने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म दिखाई थी, तो कहा ना कहा मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, मेरे प्रोड्यूसर्स की पहली हिंदी फिल्म थी। तो महावीर जी और विवेक दोस्त हैं और उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने बताया कि कुछ भी हेल्प लगेगी तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। वो हमारे साथ साउथ कोरिया आए थे। उसके बाद उन दिनों वो भी बहुत फ्री थे,
उसके बाद हुआ ये कि वो बहुत सारे फिल्म के शूटिंग्स पर बिजी हो गए, तो जिस रीजन के वजह से वो बोर्ड पे आए थे वो काम भी नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने बोला सामने से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो और कोई प्रेजेंटर आता है तो अच्छी बात है, तो फिर इम्तियाज आ जाए।